अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हर साल हम वजीफा पावर चैनल पर एक नई वीडियो डालते हैं ईद के ताल्लुक से, यानी ईद की नमाज के बारे में आपको समझाते हैं, बताते हैं किस तरीके से आपको अदा करना है। इस साल हम आपके लिए ईद की नमाज का सही तरीका लेकर आए हैं, आपको किस तरीके से अदा करना है, और मोमिन भाइयों को जो हमारे नहीं पढ़ पाते हैं उनको किस तरीके से अदा करना है, उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो हमें देख कर सीख सकते हैं किस तरीके से नमाज अदा होती है और इमाम के पीछे किस तरीके से अदा करना है। नियत जो होती है, नियत भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपको करना है। नियत हम आपको पूरी नमाज में, आप जब पढ़ेंगे नमाज आपको पढ़कर बताएंगे किस तरीके से आपको अदा करना है, तो उसी नमाज में हम नियत भी करेंगे। और जैसे नियत होती है तो भाइयों को, हमारे जो बहुत से भाई हैं उन्हें नियत नहीं मालूम है, इमाम साहब के बताने के बाद भी नियत याद नहीं रहती है, तो नियत आपको क्या करना है, जैसे आपने अगर नियत याद नहीं है तो आपको इमाम जब कहता है नियत कर लेता है तो आपको ये कहना है, जैसे जो नियत इमाम की वही नियत मेरी, इस तरीके से भी आपके दिल में इरादा हो और कह देंगे तब भी बेहतर है, ठीक है। आप जैसे हम आप नमाज़ पढ़ के बताएंगे उसमें नियत हो बताएंगे, तो आपको अगर वैसे कर मिले तो वैसे कर लीजिए, नहीं ये तो कह दीजिए कि जो नियत इमाम की वो मेरी। चलिए दोस्तों, देर ना करते ही हम वीडियो शुरू कर बताते हैं आपको किस तरीके से नियत करना है और किस तरीके से रकातें पढ़ना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईदुल अज़हा वाजिब माज़ाज 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे से इमाम के मुंह में काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
Allahu Akbar. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने पूरी वीडियो में आपको नमाज का पूरा तरीका आपको बता दिया है किस तरीके से आपको अदा करना है. जैसे हमने आपको पढ़कर बताया इसी तरीके से आपको इमाम के पीछे अदा करना है. ठीक है, और जो नियत हमने की वही नियत आपको करना है. जैसी नियत याद नहीं इस तरीके से नहीं आपको याद है तो आपको नियत किया करना है. जैसे इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो नियत इस तरीके से करें, जो नियत इमाम की वही नियत मेरी. आपकी इस नियत से भी आपकी नमाज हो जाएगी. और आप दिल में अगर जैसे नियत भूल गए, दिल में इरादा है कि हम नियत ईद की नमाज़ पढ़ने आए हैं तो ईद की नमाज़ का इरादा दिल में होना चाहिए, तब भी नमाज हो जाएगी. चलिए दोस्तों जैसे आपने देखा इसी तरीके से आपको अदा करना है. जो सूरतें हमने पढ़ी अगर आपको वो सूरतें याद नहीं हैं कोई सी भी सूरत आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, वैसे तो इमाम ही पढ़ेगा, आपको कोई नहीं कुछ नहीं पढ़ना, खामोश नियत बांधकर खामोश खड़ा रहना है. ठीक है, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमारी जो भी गलती हो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उस गलती को सुधार कर आपको और अगली वीडियो में उस गलती को सुधारने के बाद में अगली वीडियो दे सकें. और आपको हमारी अच्छी वीडियो लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को ताकि हमारे जो मोमिन भाई हैं उन तक वीडियो पहुँचे, वो हमें देख कर नमाज पढ़ सकते हैं. और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए बराबर में घंटी वाला बटन जो आ रहा है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले. चलिए दोस्तों अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़.